दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ज़्यादातर काला जादू टोना टोटका चौराहे पर ही किया जाता है। तो आज की ये पहली कहानी मुझे नीलम जी ने भेजी है, तो आइए आगे की कहानी मैं उन्हीं के नज़रिए से सुनाता हूँ। और अगर आपको भी अपने साथ घटी कुछ सच्ची घटनाएं मुझे भेजनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। हेलो सूरज जी, मेरा नाम नीलम है और मैं नरेला की रहने वाली हूँ, जो कि नई दिल्ली में है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाऊंगी जिसे मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी कहानियों को सुनने के बाद मुझे भी लगा कि मेरे साथ घटी इस खौफनाक घटना को आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आपके सब्सक्राइबर अगर ये घटना सुने तो उनको इससे कुछ सीखने को मिले। तो ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है। मैं आपको पहले अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे, मैं और मेरे पति हैं। मेरे पति एक ट्रक ड्राइवर हैं और वो रात भर बाहर ट्रक चलाते हैं, और दिन में वो थोड़ा बहुत ही वक्त घर वालों को दे पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उन्हें घर आए हुए 1 हफ्ता हो जाता है, तो ज़्यादातर मेरा वक्त यूट्यूब पर वीडियोस देखने में ही निकल जाता है, क्योंकि मैं आसपास के लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करती। तो मेरे पति जब घर पर नहीं रहते थे तो अक्सर मैं बाहर घूमने के लिए निकल जाया करती थी, और कभी कभी मैं मूवीज़ देखने चली जाया करती थी। बच्चों के लिए मैं खाना बनाकर पहले ही रख देती थी, और कभी कभी मुझे घर आते आते रात के 10:30 या 11 भी हो जाते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं फिल्म देखकर घर की तरफ जा रही थी। रात बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, रास्ते पर केवल मैं ही अकेले चल रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि नरेला में मैं जिस जगह रहती थी वो काफ़ी अंदर की ओर पड़ता था, और आप लोगों को तो पता ही है कि दिल्ली में सेक्टर वाइज घर होते हैं। अंधेरी रात में केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। मैं जब रास्ते पर चल रही थी तो मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरा पीछा कर रहा है, हालांकि मुझे किसी के कदमों की आहट नहीं सुनाई दे रही थी। फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई काला साया मेरा पीछा कर रहा है। वैसे तो मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन न जाने क्यों आज ही ऐसा हो रहा था। अब मेरा घर केवल 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर था। सूरज जी, आप यकीन मानो, पहली बार मुझे वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो 12:00 बज रहे थे। समय देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी। वैसे मेरे लिए वो रास्ता अनजान नहीं था, मैं पहले भी उस रास्ते से आया जाया करती थी। उस रास्ते के बारे में लोगों की जो बातें थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रहस्यमयी थी। लोगों का मानना था कि उस रास्ते पर रात को आत्माओं का पहरा रहता है, इस कारण मुझे एक अजीब सा डर सता रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे भी करके मैं जल्दी से घर तक पहुंच जाऊं। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। उस मोटरसाइकिल पर एक लड़का बैठा हुआ था। मैंने उसे हाथ का इशारा करके रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का मुझे अनदेखा करके निकल गया। फिर मैंने मन में सोचा, चलो जाने दो यार, अब घर तो केवल 5 मिनट की दूरी पर ही रह गया है। मैं बस भगवान का नाम लेकर जल्दी जल्दी चल रही थी, और जैसे ही चौराहे से मैं अपने घर की तरफ मुड़ी तभी मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। मैंने जब नीचे देखा तो चौराहे के बीच में एक मटकी पड़ी हुई थी, और उस मटकी के ऊपर एक अंडा रखा हुआ था जो कि लाल सिंदूर से रंगा हुआ था। साथ ही उस मटकी के चारों तरफ सिंदूर से गोल घेरा बनाया हुआ था, और उसमें नींबू और दिया जल रहा था। तो मैंने सोचा, यार इतनी रात को इस चौराहे के बीचों बीच में मटकी किसने रख दी। मैं जल्दी जल्दी चल रही थी, जिसके कारण मटकी मेरे पैर की ठोकर लगने के कारण टूट चुकी थी। मैंने मटकी को ध्यान से देखा तो उसके अंदर सिंदूर, कुछ चूड़ियाँ, एक ग्लास और एक आटे की गुड़िया बनी हुई रखी थी। मेरे पैर से ठोकर लगने के कारण वो सारा सामान इधर उधर बिखर गया था।
तो मैंने मन में सोचा, अरे यार ये क्या हो गया, ये मटकी तो फूट गई, पता नहीं किसने यहाँ बीच चौराहे पर मटकी रख दी। मैं मन ही मन ये सोचती हुई आगे बढ़ गई, लेकिन अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, और फाइनली थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर पहुंच गई। मैंने घर पहुंचते ही चैन की सांस ली, फैन ऑन किया, कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर सीधा अपने बिस्तर पर लेट गई। घर पहुंचकर मुझे बहुत सुकून सा मिल रहा था। जब मैंने बच्चों के रूम में देखा तो मेरे दोनों बच्चे सो चुके थे। फिर मैं अपने रूम में आई और चुपचाप एसी ऑन करके सो गई। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के आसपास सिंदूर पड़ा हुआ है, बेड के नीचे कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा, अरे यार ये सिंदूर और चूड़ियाँ कहाँ से आ गई, कौन लाया होगा इन्हें। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई तो मैंने बोला, कौन है। बाहर से आवाज़ आई, अरे मम्मी हम हैं, दरवाज़ा खोलो, हमें स्कूल जाना है, कुछ खाने के लिए नाश्ता तो बना दो। फिर मैं जल्दी जल्दी उठी और बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन उस टाइम मेरा सर बहुत भारी भारी सा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद बच्चे स्कूल चले गए थे और अब वो सीधा 2:30 बजे ही आने वाले थे। थोड़ी देर के बाद मेरे घर में काम करने वाली बाई आई और उसने घर की साफ सफाई की तो उसने देखा कि मेरे बिस्तर पर सिंदूर और टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो उसने बोला, अरे दीदी आपके बिस्तर पर सिंदूर और ये चूड़ियाँ कैसे गिरी हुई हैं। तो मैंने कहा, पता नहीं दीदी, जब मैं सुबह उठी तो ये मेरे बिस्तर पर ऐसी ही गिरी हुई थी। उसके बाद काम वाली बाई ने वो बिस्तर और चूड़ियाँ झाड़ू लगाकर साफ कर दिया। उसने खाना बनाया और फिर वो चली गई। मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और वो हाथ बिल्कुल ठंडा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं रोज़ शाम को पार्क में टहलने जाती थी तो उस दिन मैं 5 बजे शाम को अपने घर से निकली और मैं उसी रास्ते से पार्क जा रही थी जिस चौराहे पर वो मटका पड़ा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अब वहाँ पर कोई भी मटका नहीं था, तो मुझे लगा शायद कूड़ा उठाने वाले ने साफ कर दिया होगा। फिर मैं पार्क में गई, कुछ देर टहला और शाम को 7:30 बजे तक घर वापस आने लगी। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने घर की ओर जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। और जब मैंने आगे ज़मीन की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, क्योंकि मेरे आगे दो परछाई दिख रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। जब मैंने फिर से आगे रास्ते में देखा तो फिर से परछाई दिख रही थी। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं धीरे धीरे दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागी। घर पहुँच कर मैंने चैन की सांस ली और नहा धोकर बच्चों के साथ खाना खाया और उन्हें सुला कर मैं अपने रूम में सोने चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर रात के करीब 12:30 बजे मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पलंग को हिला रहा है। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो पलंग बहुत ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट हो रहा था। डर के मारे मेरी चीख निकल पड़ी और मैं अपनी आँखें बंद करके कंबल में घुस गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर मैं जल्दी से नीचे भागी और अपने बच्चों के साथ सो गई। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ और जब मैं सुबह उठी तो फिर से वही रूटीन दोहराया। फिर करीब सुबह के 11:30 बजे मेरी दो सहेलियां मुझसे मिलने आई। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे। उन्होंने कहा, नीलम क्यों ना आज हम कहीं घूमने चलें, वैसे भी तुम घर पर रहती हो तो बोर हो जाती होगी। तो मैंने मन में कहा, बात तो सही है यार। उसके बाद मैंने काम वाली बाई से कहा कि दीदी मैं शाम तक घर आ जाऊंगी, तुम बच्चों को खाना खिलाकर उनका ध्यान रखना। फिर मैं रेडी होकर अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल गई। बाहर सहेलियों के साथ घूमने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे साथ जो पिछली रात हुआ वो सब मैं भूल चुकी थी। घूमने के चक्कर में मुझे समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला। जब मैंने घड़ी में देखा तो 8:00 बज रहे थे और अभी मुझे घर जाने में करीब 1.5-2 घंटे लगते।
तो मैंने मन में सोचा, अरे यार आज फिर घर पहुंचने में लेट ना हो जाऊं। यही सोचकर मैंने अपनी सहेलियों से बोला, अरे यार रात के 8 बज गए हैं, अब हमको घर चलना चाहिए। तो मेरी सहेलियों ने कहा, हाँ यार बात तो सही है। फिर हम तीनों अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। मैं कालका से मेट्रो पकड़कर नरेला के लिए उतर गई और अब रात के 9:30 बज रहे थे। जैसे ही मैं उस रास्ते पर गई तो फिर से मुझे वही डर सताने लगा, क्योंकि मुझे फिर से उसी चौराहे से गुजरकर अपने घर की ओर जाना था। जैसे ही मैं उस चौराहे के पास पहुंची तो मैंने देखा, कल रात जिस चौराहे पर मटकी रखी थी उस चौराहे पर एक महिला बैठी हुई है। उसने हाथ में एक दीपक ले रखा है और चौराहे पर मटकी रख रही थी। तभी मैंने दूर से ही आवाज़ लगाई, अरे ओ आंटी क्या कर रही हो। इतना बोलकर मैं उसके पास जाने लगी और मैंने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने कल रात को इस चौराहे पर मटकी रखी थी। वो औरत दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी और उसने अपने सर पर पल्लू रखा था। उसकी साड़ी भी काफ़ी फटी पुरानी थी और उसकी पीठ पर एक अजीब सा कुबड़ निकला हुआ था। मेरे इतना चिल्लाने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा, अरे ओ आंटी बहरी हो गई हो क्या, कब से चिल्लाए जा रही हूँ और तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। इसके बाद जैसे ही मैंने उस औरत को छुआ तभी उसने गुस्से में मुझे कहा, हाथ हटा मनहूस कहीं की, कल रात तूने जिस मटकी को फोड़ा था ना, वो कोई आम मटका नहीं था बल्कि वो शैतान को बुलाने का मटका था और तुमने उस टोटके को नष्ट कर दिया। अब वो शैतान तेरे पीछे पड़ चुका है, अब तू देखना कैसे वो शैतान तेरी जिंदगी को जहन्नुम में बदल देगा। इतना कहकर वो औरत न जाने अचानक कहाँ गायब हो गई। उसकी बातों को सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी और अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि सच में मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। सूरज जी, अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे बताने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस घटना को सुनने के बाद आप लोगों को ज़रूर झटका लगेगा। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी साड़ी को धीरे धीरे ऊपर उठा रहा है और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद धीरे धीरे मेरे दोनों हाथ पीछे की ओर चले जाते हैं और वो जो कोई भी था उसने मेरे सीने पर हाथ रखकर मेरे स्तनों को दबाने लगा। मैं अपने आप को हिलाना चाह रही थी लेकिन मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पैरालाइज हो गई हूँ। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों को सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात लग रहा होगा, लेकिन आप लोग मेरा यकीन करिए कि मेरे साथ जो उस वक्त घटित हो रहा था वो मैं आप लोगों को बिल्कुल सच सच बता रही हूँ। लेकिन जब मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी आँखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक बेहद डरावना इंसान चढ़ा हुआ है और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो हुआ जिसे मैं नहीं बता सकती, लेकिन आप लोग इतने समझदार हैं कि आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे जिस चीज़ को मैं नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन उस रात के बाद से हर रोज़ वो भद्दा शैतान मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और मैं उसका कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ये चीज़ें ऐसी थी कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगी। जब मैं बाथरूम में नहाने के लिए जाती तो वो शैतान वहाँ पर भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करता और अब वो शैतान हर वक्त मेरे साथ ही रहता और मुझे बहुत परेशान करता। उस औरत ने सही कहा था कि अब मेरा जीवन जहन्नुम की तरीके हो जाएगा और उसकी बात बिल्कुल सच भी निकली। मेरी तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मेरे पति ने काफ़ी इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे मैं सूख कर बिल्कुल कांटा होने लगी। फिर एक दिन मेरी काम वाली बाई ने कहा, अरे दीदी आपको क्या होता जा रहा है, आप दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। पहले तो मैंने बात को टालना चाहा लेकिन बार बार उसके पूछने पर मैं रो पड़ी और उससे रोते हुए
शुरू से लेकर अंत तक जो मेरे साथ हो रहा है वो सारी घटना मैंने उसे सुना दी। ये सारी घटनाएं सुनने के बाद मेरी काम वाली बाई ने कहा, दीदी आपके ऊपर चौराहे का टोटका हुआ है और उसी टोटके की वजह से वो शैतान आपके पीछे पड़ा है। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो इसमें आपकी मदद कर सकता है। फिर काम वाली बाई ने कहा, दीदी आप मेरे साथ उस तांत्रिक के पास चलो, वो आपको कुछ न कुछ उपाय ज़रूर बताएगा। इसके बाद मैं उस काम वाली बाई के साथ उस तांत्रिक के पास गई। वो तांत्रिक जहाँ रहता था वो काफ़ी शांत और वीरान इलाका था। जैसे ही हम उस तांत्रिक के घर के अंदर गए तो वहाँ केवल धुआं ही धुआं फैला हुआ था। मैंने देखा कि वो तांत्रिक हवन कुंड के पास बैठकर पूजा पाठ कर रहा था। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना और बूढ़ा लग रहा था। उसके बाल और दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद और घने थे और उसने अपने शरीर पर काला कपड़ा पहन रखा था। साथ ही उसके पास एक इंसानी खोपड़ी और तंत्र मंत्र के बहुत सारे सामान रखे हुए थे। मैंने जाकर उनको प्रणाम किया और जैसे ही मैं अपने बारे में उन्हें बताती, उन्होंने तुरंत कहा, तुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि इनको तो मैं जानती भी नहीं, तो इनको मेरे बारे में कैसे पता। फिर उस तांत्रिक ने कहा, ये सब उस मटके की वजह से हुआ है जो तूने उस रात तोड़ा था। किसी ने उस मटके में शैतान को कैद करके चौराहे पर छोड़ा था और तूने वो मटका तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो शैतान अब तेरे पीछे पड़ चुका है और अब वो तुझे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो तुझे मार नहीं देता। ये सुनकर मैं रोने लगी और मैंने कहा, बाबा मुझे बचा लीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, अनजाने में ही मुझसे ये गलती हुई है। तो उस तांत्रिक ने कहा, बेटी चिंता मत कर, कल मैं तेरे घर आऊँगा और तुझे उस शैतान से छुटकारा भी दिलाऊंगा। तब तक के लिए ये नींबू और लौंग अपने तकिए के नीचे रख कर सोना, तुझे वो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। घर जाने के बाद मैंने वैसा ही किया, लौंग और नींबू को मैंने अपने तकिए के नीचे रख दिया और मैं सो गई। लेकिन रात के 12 बजते ही मुझे मेरे कमरे के बाहर किसी के जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी और किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी, लेकिन वो शैतान मेरे पास नहीं आ सका। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया और मैं चुपचाप सो गई। अगली सुबह जब मैं नहाने के लिए गई तो अचानक पानी का रंग बिल्कुल लाल हो गया। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो पानी नहीं बल्कि खून था। ये देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाई और मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ मम्मी, आप क्यों चिल्ला रहे हो? फिर मैंने देखा वो खून अब पानी में बदल चुका था। इसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता कराया और उन्हें स्कूल भेज दिया और फिर थोड़ी देर के बाद ही वो तांत्रिक और काम वाली बाई मेरे घर आए। उस तांत्रिक ने मेरे पूरे घर का गोल चक्कर लगाया और कहा, उस शैतान का निवास तेरे ही कमरे में है और अब मैं उस शैतान का खात्मा करने आ चुका हूँ। इसके बाद वो तांत्रिक मेरे कमरे में गया और ज़मीन पर बैठकर ज़मीन में हल्दी और कुमकुम से कुछ अजीब सा निशान बनाने लगा और हम दोनों को एक गोल घेरे में बैठने को कहा। इसके बाद उस तांत्रिक ने अपने कमंडल से पानी की कुछ बूंदें इधर उधर छिड़की। तभी वहाँ पर बहुत अजीब सा माहौल हो गया और ऐसा लगा जैसे कोई जानवर गुस्से से गुर्रा रहा हो। और थोड़ी देर के बाद ही मैंने वो देखा जिसे देखकर मैं बिल्कुल डर गई। मैंने देखा वही शैतान उस तांत्रिक के सामने खड़ा था जो हर रात मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। वो दिखने में बिल्कुल भद्दा और घिनौना लग रहा था। फिर उस तांत्रिक ने कहा, तो क्यों परेशान कर रहा है इस लड़की को? तो उस शैतान ने अपनी भयानक आवाज़ में कहा, क्योंकि ये मुझे पसंद आ गई है और अब मैं हमेशा इसके साथ ही रहूंगा। तो उस तांत्रिक ने कहा, तू क्यों इसके पीछे पड़ा है? फिर उस शैतान ने कहा, जब उस रात ये औरत उस चौराहे से जा रही थी तब इसने वो मटका फोड़ दिया था जिसमें मुझे उस कुबड़ी औरत ने कैद कर रखा था
और मटका फूटने की वजह से मैं इसके पीछे लग गया और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर उस तांत्रिक ने कहा कि तू शांति से इसका पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। वो शैतान जाने को तैयार ही नहीं था। फिर उस तांत्रिक ने अपने झोले से भभूत निकाला और उस शैतान के ऊपर फेंक दिया। भभूत के गिरते ही वो शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो बोला, ऐसा मत कर, मेरा शरीर जल रहा है। इसके बाद उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ना चालू कर दिया और धीरे धीरे वो शैतान बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर उसने कहा, मुझे माफ कर दे, मैं इस लड़की को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और फिर उस तांत्रिक ने उसे एक पीतल के लोटे में कैद करके ऊपर से लाल कपड़ा बांधा और उसे अपने झोले में रखकर जाने लगा। इसके बाद उस तांत्रिक ने कहा, बेटी हमेशा याद रखना कि कभी भी चौराहे पर कोई भी ऐसी चीज़ नजर आए तो उसे छूना मत और ना ही उस पर हंसना, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। और फिर उस तांत्रिक ने मुझे 4 तावीज़ दिया और कहा, इसे तुम अपने बच्चों और पति को पहना देना और खुद भी ये तावीज़ पहन लेना, लेकिन याद रखना इस तावीज़ को कभी मत उतारना, क्योंकि ये तावीज़ तुम लोगों को सदैव बुरी शक्तियों से बचा कर रखेगा। और तब से लेकर आज तक मेरे साथ कभी भी ऐसा दोबारा नहीं हुआ। तो सूरज जी, बस यही थी मेरी कहानी जो मैंने आपके साथ बहुत ही हिम्मत करके शेयर किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी ये कहानी YouTube पर अपलोड करेंगे और अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएंगे। मेरी इस कहानी से उनको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने नीलम जी की कहानी सुनी, और मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी पर्सनल स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है, क्योंकि इनकी कहानी को पढ़ने के बाद मुझे भी एक पल के लिए डर लगा कि जब कोई शैतान आपके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उन्हें कैसा लगता है। आपसे भी मैं यही कहूँगा कि कभी भी अगर आपको रास्ते में या चौराहे पर ऐसी चीज़ें दिखें तो वहाँ से चुपचाप चले जाएं। तो आइए सुनते हैं आज की ये दूसरी कहानी। दोस्तों, ये अगली कहानी रिया जी ने प्रयागराज से भेजी है और उनका कहना है कि ये जो घटना है वो उनकी आंटी के साथ घटित हुआ था, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी आंटी की जान जाते जाते बची थी। तो ये कहानी 5 साल पुरानी है। अर्चना आंटी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना कि किसी का सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो दूसरों से देखा नहीं जाता। वैसे ही अर्चना आंटी के घर के पास ही अरुणा आंटी का घर था। उनको अर्चना आंटी का अच्छा चलता घर देखा नहीं जाता था। वो हमेशा अर्चना आंटी को देखकर मन ही मन बहुत बुरा सोचती थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। उन्होंने एक दिन अर्चना आंटी पर टोटका करने की ठान ली। वो गांव के पास रहने वाले तांत्रिक के पास गई। वो टोटका करने वाला बदनाम तांत्रिक था। उसने बहुत लोगों के घर बर्बाद किए थे। अरुणा आंटी उस तांत्रिक के पास गई। उन्होंने तांत्रिक से कहा कि मुझे एक औरत पर टोटका करना है। तो तांत्रिक ने अरुणा आंटी को टोटका करने का तरीका बताया और कब करना है वो भी बताया। ये सब सुनते ही अरुणा आंटी खुश हो गई। इतने में वो तांत्रिक बोला, टोटका करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें लगेंगी। अरुणा आंटी इतनी खुश थी कि तांत्रिक की बात खत्म होने से पहले ही बोल पड़ी, अरे कौन सी चीज़ लगेगी बोलो, मुझे अभी मैं ला कर देती हूँ। तो तांत्रिक बोला कि जिस भी व्यक्ति पर टोटका करना है उसका उतरा हुआ एक कपड़ा और कुछ बाल और एक चुटकी सिंदूर, ये 3 चीज़ ला कर दो, फिर टोटका कब करना है ये बताता हूँ। अरुणा आंटी ने बोला ठीक है, और ऐसा बोलकर वो घर आ जाती हैं। और फिर ये सब चीज़ इकट्ठा करने के लिए अर्चना आंटी से ज़्यादा घुलने मिलने लगती हैं। पर आंटी को पता नहीं था कि ये दोस्ती आगे जाकर बहुत तकलीफदायक होने वाली है। अर्चना आंटी स्कूल से जल्दी घर आ जाती थी और उनके हस्बैंड रात को देर से घर आते थे, और ये बात अरुणा आंटी बहुत अच्छे से जानती थी। और इसीलिए जैसे ही अर्चना आंटी घर पहुंचती थी कि अरुणा आंटी झट से अर्चना आंटी के घर पर चली आती थी
और इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती थी। अर्चना आंटी को भी अरुणा आंटी का साथ अच्छा लगने लगा था, वो भी उनके साथ जल्दी घुल मिल गई। फिर उन आंटी का भरोसा जीतने के बाद अरुणा आंटी ने अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे तांत्रिक की बताई चीज़ें इकट्ठा करने में जुट गई। उन्हें दो चीज़ तो आराम से मिल गई, यानी कि कपड़ा और बाल, पर उनको एक चीज़ नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि सिंदूर की डिब्बी ये अर्चना आंटी कहाँ रखती थी वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर अरुणा आंटी ने अपना दिमाग लगाया और वो सुबह सुबह अर्चना आंटी के घर पहुंच गई। वजह उनको पता था कि सुबह सुबह नहाने के बाद वो सिंदूर जरूर लगाएंगी और तभी मुझे वो सिंदूर मिल सकता है। इसलिए सुबह सुबह अर्चना आंटी के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाती हैं। तो अर्चना आंटी ने दरवाज़ा खोला, लेकिन आंटी देखकर उन्हें आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी जल्दी अरुणा यहाँ क्या कर रही है। तो अर्चना आंटी ने पूछा, अरे अरुणा क्या हुआ, आज तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? तो अरुणा आंटी ने कहा, अरे क्या करूँ अर्चना, मेरी सिंदूर की डिब्बी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई, और बिना सिंदूर लगाए मैं बाज़ार में भी नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अर्चना आंटी को भी जॉब पर जाना था और देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने बिना कोई सवाल किए अरुणा आंटी को एक चुटकी सिंदूर लाकर दे दिया और जॉब के लिए निकल गई। अरुणा आंटी मन ही मन बहुत खुश हो गई कि दो चीज़ तो उन्हें पहले ही मिल चुकी थी और अब तो सिंदूर भी मिल गया था। वो तीनों चीज़ लेकर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक बोला कि रात को 12 बजे हम ये टोटका करेंगे। अरुणा आंटी ठीक है ये बोलकर घर वापस आ गई। अरुणा आंटी का अब समय नहीं कट रहा था, उन्हें लग रहा था कि कब समय हो और कब मैं जाऊँ, आगे अब क्या होगा इसका सोचकर अरुणा आंटी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। समय रात के 11:30 का हो गया था, पूरा गांव सो चुका था और ठीक 12 बजे वो तांत्रिक के घर पर पहुंच गई। तांत्रिक अपने घर में बने नीचे तहखाने में अरुणा आंटी को ले गया और कुमकुम से एक गोला बनाया और उस गोले में दो लाइनें खींची और उसमें एक जिंदा मुर्गे के पाँव बांध कर उल्टा रख दिया। और फिर तांत्रिक बोला, देखो अरुणा मैं टोटका शुरू कर रहा हूँ और एक बार टोटका अगर शुरू कर दिया तो इसके बाद मैं इसे वापस नहीं ले सकता, इसलिए सामने वाले का नाम लेते वक्त ठीक से लेना और मुर्गा काटने के बाद उसका खून उस थाली में गिरेगा और तभी अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधना और जिस पर टोटका करना है उस व्यक्ति का नाम लेना है और फिर उस मुर्गे पर फूंक मारनी है। अरुणा आंटी ने कहा, ठीक है। इसके बाद उस तांत्रिक ने टोटका करना शुरू किया। उसने मंत्र बोलते हुए सभी चीज़ों को एक थाली में रखना शुरू किया और फिर मंत्र पूरा होते ही तांत्रिक ने उस मुर्गे की गर्दन काटी। फिर उस मुर्गे का खून धीरे धीरे उस थाली में जाना शुरू हुआ जिस थाली में सिंदूर, कपड़ा और बाल रखे थे। तभी अरुणा आंटी अपनी दोनों मुट्ठी बंद करती है और अर्चना का नाम लेकर उस थाली में ज़ोर से फूंक मारती है और वैसे ही वो मुर्गा अपनी आखिरी सांस लेता है और वो मर जाता है। तभी अरुणा आंटी के चेहरे पर एक कपट वाली हंसी आती है और टोटका पूरा हो जाता है। टोटका पूरा होने के बाद तांत्रिक बोलता है, अगली अमावस तक तुमने जिस किसी का भी नाम लेकर फूंक मारी है वो व्यक्ति अमावस के दिन मर जाएगा। ये सुनते ही अरुणा आंटी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अर्चना आंटी सोचती है कि यार 10-12 दिन हो गए, अरुणा ने घर पर आना क्यों छोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी ना उस पर। ऐसा सोचकर अर्चना आंटी अरुणा आंटी के घर जाती हैं। इधर अरुणा आंटी सोफे पर बैठ के कुछ सोच रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अर्चना आंटी की आवाज़ सुनकर वो झटके से उठती है और दरवाज़ा खोलती है। तो अर्चना आंटी पूछती हैं, अरे अरुणा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तेरी, 10-12 दिन हो गए तुम घर पर भी नहीं आई, सब ठीक तो है ना? तो अरुणा आंटी ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है बहन, वो मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती इसलिए नहीं आ पाई। फिर अर्चना आंटी ने कहा, चलो ठीक है बहन कोई बात नहीं। इसके बाद वो अपने घर वापस चली जाती हैं। अगले दिन संडे था इसलिए अर्चना आंटी ने सोचा कि चलो आज मैं आराम से सोऊंगी और कल सुबह देर से उठूंगी। लेकिन रात को 3 बजे उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द उठने लगा और वो बेड से नीचे गिर गई। उनको इतनी वीकनेस आ गई कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उन्हें इतने में उल्टी हो गई। उन्होंने नीचे देखा तो ज़मीन पर खून की उल्टी हुई थी।
इतनी डरावनी तकलीफ आज से पहले उन्हें कभी नहीं हुई थी और कुछ देर के बाद ही पेट और जोर से दर्द करने लगा और उन्हें जोर से टॉयलेट भी आने लगी, पर उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो बाथरूम तक जा सके। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उठने में और जैसे तैसे करके वो बाथरूम तक पहुंची। तभी उनके पेट में फिर से एक गोला उठा और वैसे ही वो नीचे गिर पड़ी। 5 मिनट तक वो नीचे ही बैठी रहीं। तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कुछ चिपचिपी सी चीज़ है। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो उनकी पूरी साड़ी खून से भीगी हुई थी। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हुआ है और वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन किसी तरह हिम्मत करके अर्चना आंटी जैसे तैसे करके उठी और अपने बेड पे जाने की कोशिश करने लगी, पर उनसे उठते ही नहीं बन रहा था। फिर वो वैसे ही रेंगते रेंगते बेड तक पहुंची और उसी हालत में बेड पर जाकर सो गई। और उसी रात को अर्चना आंटी के हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी तो वह सुबह घर पर आए और घंटी बजाई। बहुत देर हो गई, अर्चना अभी तक कैसे सो रही है, ऐसा बोलते बोलते उनके हस्बैंड घंटी बजाते जा रहे थे। 15-20 मिनट तक लगातार घंटी बजाने के बाद उनके पति को चिंता हुई तो वो पीछे के दरवाजे से अंदर आए। अंदर आते ही उन्हें बहुत गंदी बदबू आई। उन्होंने जब अंदर जाकर देखा तो वो बुरी तरह घबरा गए। वो अर्चना आंटी के पास आकर आंटी को उठाने लगे, लेकिन आंटी उठ ही नहीं रही थी। उनके पति ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करिए, काम की टेंशन की वजह से शायद ऐसा हो सकता है, एक हफ्ते में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ऐसा बोलकर डॉक्टर निकल गया। लेकिन क्या सच में अर्चना आंटी को काम के टेंशन की वजह से ये तकलीफ हुई थी, या फिर जो अरुणा आंटी ने टोटका किया था उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी? बहुत दिन निकल गए पर कुछ भी सही नहीं हुआ। अर्चना आंटी की तबीयत ठीक हो ही नहीं रही थी। पूरे गांव के डॉक्टर हो गए, हकीम वैद्य भी हो गए, शहर के डॉक्टरों को भी बुला लिया, पर किसी का भी इलाज काम नहीं आ रहा था। दिन पर दिन अर्चना आंटी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। अब तो अर्चना आंटी ने खाना खाना भी छोड़ दिया था। अर्चना आंटी एक जिंदा लाश की तरह पलंग पर सोई रहती थी। शरीर में बस अब हड्डियाँ नजर आने लगी थी। इधर उनके हस्बैंड का भी रो रो कर बुरा हाल था। अड़ोसी पड़ोसी भी अर्चना आंटी की बहुत चिंता करने लगे। अर्चना आंटी सबकी चिंता करती थी, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक उनको ये क्या हुआ, ऐसी बातें गांव भर में होना शुरू हो गया। लेकिन इधर अरुणा आंटी तो बहुत खुश थी। अरुणा आंटी खुशी से घर में इधर उधर नाचती रहती और 3 दिन रुक जा, फिर तू हमेशा के लिए भगवान के पास जाने वाली है, ऐसा बोलते बोलते अरुणा आंटी खूब नाचती। इधर वो तांत्रिक शहर का काम निपटाकर गांव वापस आया। गांव में आते ही लोगों को आपस में बातें करता देख सोच में पड़ गया, इसलिए वो पास में बनी एक चाय की दुकान पर गया और वो दुकानदार से पूछने लगा, क्या हुआ भाई, ये लोग इकट्ठा होकर क्या बातें कर रहे हैं? तब वो दुकानदार बोला, अरे भाई आपको नहीं पता क्या, अपने गांव की अर्चना आंटी की तबीयत अचानक ही बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। लोगों का कहना है कि अर्चना अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। अरे पूरी हड्डियां तक नज़र आती हैं उनके शरीर में, जाओ एक बार तुम भी मिलकर आओ। ये सुनकर अब तांत्रिक को डर लगने लगा, कहीं अरुणा ने अर्चना आंटी का नाम तो नहीं लिया था ना। ऐसा सोचते सोचते वो अर्चना आंटी के घर के लिए निकल पड़ा। बाहर चबूतरे पर ही अर्चना आंटी के हस्बैंड बैठे हुए थे, उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। तांत्रिक जाकर अंकल के पास बैठा और पूछताछ करने लगा, कैसे क्या हुआ ये सारी बातें। तब उनके हस्बैंड ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, अब अर्चना की ऐसी हालत देख ही नहीं जाती, और उसको पूरी घटना सुनाई। ये सब सुनकर तांत्रिक बहुत डर गया, क्योंकि जब उस तांत्रिक का इस दुनिया में कोई नहीं था तब अर्चना आंटी ने उसकी बहुत मदद की थी। ये सब सुनने के बाद उसने अंकल से माफ़ी मांगी। अंकल को भी कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार उन्होंने उससे कहा, ठीक ठीक बता, तू माफ़ी क्यों मांग रहा है? तब उसने बताया कि मैंने ही ये टोटका किया था, पर उस वक्त मुझे अर्चना आंटी का नाम नहीं पता था। अंकल को ये सुनकर हैरानी हुई। अंकल ने उससे पूछा, मुझे ठीक ठीक बता, ये सब करने के लिए तुझे किसने बोला था? तो तांत्रिक ने कहा, मुझे ये सब काम करने के लिए अरुणा ने बोला था।
पर अब अर्चना आंटी को बचाने का केवल एक ही तरीका है। जिस किसी ने ये टोटका करवाया है वही अब अर्चना आंटी को बचा सकता है। उसी समय अंकल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कुल्हाड़ी उठा ली और फिर अरुणा आंटी के घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजे पर जोर से कुल्हाड़ी से वार किया और जोर से लात मारी। लात मारते ही दरवाजा खुल गया। तभी अरुणा आंटी दरवाजे पर आई और कहने लगी, अरे उदय, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया है अचानक से तुम्हें? उदय अंकल बोले, अरुणा बहुत हो गया तेरा नाटक। जादू टोना जो भी तूने किया है ना, वो सब वापस से हटा। तो अरुणा आंटी ने बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन ये सुनते ही उदय अंकल ने पास रखे टीवी पर एक जोरदार लात मारी और वो टीवी जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। अरुणा आंटी डर से थर थर काँपने लगी। उतने में ही उन्हें सामने वो तांत्रिक दिखाई दिया। अरुणा आंटी मन ही मन सोचने लगी, अब अपनी पोल खुल चुकी है, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, और वो सब कुछ कबूल कर लेती है। तभी उदय अंकल तांत्रिक से बोले, तू जाकर टोटके की तैयारी कर, मैं इसको लेकर आता हूँ। फिर वो अरुणा आंटी को लेकर उस तांत्रिक के पास गए। इसके बाद तांत्रिक ने टोटका शुरू किया। धीरे धीरे वही टोटका शुरू हुआ, गोल घेरा, उसमें दो लकीरें खींची और एक मुर्गा जिसकी टांगें बांधकर उस गोले के बीच में रखा। और अरुणा आंटी का एक बाल, पहनी हुई साड़ी का एक टुकड़ा और उनकी मांग में भरा हुआ सिंदूर लिया और फिर मंत्र बोलना शुरू किया और फिर उस मुर्गे पर गुलाल डाला। और फिर 5 मिनट के बाद तांत्रिक ने अरुणा आंटी से कहा, अब मैं जैसा बोलूँगा तुम वैसा ही करना। तांत्रिक ने मुर्गे की गर्दन काटने से पहले अरुणा आंटी से कहा, मैं जैसे ही मुर्गे की गर्दन काटूँगा तुम वैसे ही आगे आकर ये बोलना कि मैं अर्चना पर किया हुआ टोटका वापस ले रही हूँ। अरुणा आंटी ने हाँ कहा। फिर तांत्रिक ने उस मुर्गे की गर्दन काटी। वैसे ही अरुणा आंटी आगे आई और बोली, मैं अर्चना पर किया हुआ टोटका वापस लेती हूँ। और इस तरह से टोटका पूरा हुआ। उदय अंकल अब जल्दी से घर पर पहुँचे और अर्चना आंटी का हाल चाल पूछने लगे। अब अर्चना आंटी को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। और उधर अरुणा आंटी को घर आते ही खून की उल्टी हुई। अरुणा आंटी को अब समझ आ गया था, जो तकलीफ मैंने अर्चना को दी थी अब वो तकलीफ मुझे होने वाली है। पर अब अरुणा आंटी को कोई नहीं बचा सकता था। एक कहावत है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा ही कुछ अरुणा आंटी के साथ हुआ। 10-15 दिन बीत गए और अब अर्चना आंटी को अच्छा लगने लगा। और इधर जो नहीं होना था वो हो गया। अमावस की रात आई और उसी रात अरुणा आंटी की वो आखिरी रात थी। दोस्तों, जो कोई भी किसी का बुरा करने की सोचता है हमेशा उसका ही बुरा होता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी होंगी और आपको इन दोनों कहानियों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। साथ ही आप कमेंट करें और प्लीज़ यार, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब से मैं पहले की तरह चैनल पर एक्टिव रहूँगा और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो यार, अपने भाई को सपोर्ट करो और अपना प्यार दिखाओ। लव यू ऑल एंड गुड नाइट।